तो सर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको आप एक छोटा सा परिचय दीजिए, अपना फार्म कहाँ पर है, कोई कैसे आ सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। हरीश भाई, मेरा नाम विजय सिंह शेखावत है जी, और मेरा फार्म ग्राम चिक्तावड़, तहसील धर्मपुरी और जिला इंदौर है। बिल्कुल। और आपको और आपके देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी। तो सर कोई भी आने के लिए इंदौर से आ सकते हैं या धार से आ सकते हैं? हाँ, इंदौर से भी और धार से भी। धार से 20 किलोमीटर, इंदौर से करीबन 60-65 किलोमीटर है। 60-65 किलोमीटर। और बेसिकली मैं इंदौर में रहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इंदौर में मेरे से संपर्क करना चाहे तो इंदौर में भी कर सकता है। बिल्कुल। कितना समय हो गया सर बकरी पालन में आए हुए, ये थोड़ा सा बताइए। मैंने ये जनवरी 2023 में शुरू किया था हरीश भाई। अच्छा। और फिर सर जैसे बात करते हैं ब्रीड सिलेक्शन की, तो आपने यहाँ की ब्रीड ना चुनकर आपके बाहर की ब्रीड लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश जो लोकल ब्रीड है हरीश भाई वो इतनी ग्रोथ ले नहीं पाती है। जी जी। तो मैंने राजस्थान से शिरोही और सोजत, ये दो ब्रीड में काम करना शुरू किया। तो मेरे इसी से संबंधित सवाल रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, वो काफ़ी फायदेमंद रहेंगे, जो खास करके मध्य प्रदेश में सिरोही और सोजत का पालन करना चाहता है। तो मैं आपसे जो आपका अनुभव वही साझा करने वाला हूँ जी। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए सर कि जैसे आप बाहर से बकरियाँ लेकर आते हैं कहीं से भी, तो किस तरीके के चैलेंजेस देखने मिलते हैं? हम कुछ बकरियाँ भी आपके इसमें दिखाते चलेंगे और वो हम आपसे जानना चाहेंगे। हरीश भाई, सिरोही जो बड़ी बकरियाँ लेके आया था मैं, और सोजत भी ये बकरियाँ बड़ी लेके आया था मैं जी, तो इतने कोई खास चैलेंजेस तो नहीं आए। सोजत में थोड़ा सा कुछ दिक्कत आई थी शुरुआत में जी, तो वो यहाँ अच्छे वेटनरी मिल गए थे डॉक्टर, तो उनसे समस्या हल हो गया था, PPR हो गया था थोड़ा सा। हाँ हाँ। फिर 1.5 साल में हम, 2.5 साल हो गए हमको करते करते, तो ये छोटी छोटी बीमारियाँ आजकल ये जो भी इनमें होती हैं उनका नॉलेज लगभग हमको भी हो ही गया है। बिल्कुल। और जो बकरी पालन ये करता है या कोई भी पशुपालन करता है, उसको मैं समझता हूँ कि अपने फार्म का डॉक्टर तो खुद ही बनना पड़ेगा जी। बाहर का कोई व्यक्ति या वेटनरी डॉक्टर मिले या नहीं मिले, टाइम पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो कम से कम बेसिक ट्रीटमेंट तो आप कर ही सकें। बिल्कुल। तो चलिए अपन कुछ बकरियां देखते हैं, फिर वो भी अब बात करते हैं। जैसे भाई सोजत है वही दिखाइए, सिरोही है वो भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। अब हरीश भाई, ये 3rd टाइम बच्चा देगी और दूध कैपेसिटी भी अच्छी इसकी, और बच्चे भी इसके बहुत अच्छे आते हैं। अभी करीबन इसकी मैंने, बच्चा यही घूम रहा है इसका, मतलब इसके जो बच्चे होते हैं उसकी उनकी ग्रोथ अच्छी है। बहुत बढ़िया। और देखिए ये सोजत अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, आँखें वगैरह इसका, मुंह वगैरह देखिए आप, और कान वगैरह देखिए इसके, बहुत बढ़िया। ये देखिए जैसे शानदार। हाँ, और सुंदर बहुत, आप देखेंगे तो मन को वैसे ही भाएगी। बिल्कुल। तो ये सुंदरता के लिए जानी जाती है। हाँ, सुंदरता के लिए जानी जाती है। बहुत बढ़िया, आप ये देख सकते हैं, बेहतरीन। अब अभी नीम इन्हें ऑफर करी जा रही है, तो आप ये देखिए किस तरीके से आराम से झुमट के खा रही हैं बकरियां, बहुत बढ़िया। इनको वो हम लोग वो पूरा क्लाइमेट देने दिया है हमने, जो ये राजस्थान में इनको जो मिलता है। जी जी। तो इनकी ग्रोथ वगैरह अच्छी है और ज़्यादा दिक्कत हमको आती भी नहीं इनको। और एक बार सेट हो गई है ये, तो अब जो इनके जो बच्चे जो यहाँ जन्म ले रहे हैं, तो वो उनमें कोई ज़्यादा समस्या ही नहीं आ रही है। तो मैं वही एक सवाल, मेरा क्लाइमेट में वो ढल गए हैं। बिल्कुल। तो जैसे मेरा एक सवाल, बेसिक सवाल है सर, कि जैसे यहाँ का कोई इसी क्षेत्र का या इस क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर का, मध्य प्रदेश का या जो हमारा महाराष्ट्र सीजन लगा हुआ है या गुजरात का जो आसपास का रीजन लगा हुआ है, तो अगर यहाँ से कोई लेकर जाता है तो इस ब्रीड के क्या फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं, ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि राजस्थान की तुलना पर यहाँ पर क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये थोड़ा सा बताइए। हरीश भाई, जैसे क्या है कि ये ज़्यादा वजन गेन करने वाले और मीडियम दूध देने वाले बकरी भी है जी, तो जो भी बंदा इनको पालेगा तो वो अच्छा, एक अपना बेरोजगार युवक अगर पालेगा तो वो अच्छा रोजगार इनसे प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, बेहतरीन। रोजगार का माध्यम तो है ही, रोजगार का तो माध्यम है ही जी। और सर मुझे ये थोड़ा सा बताइए, जब आप लेकर आए थे तो किस तरीके से आपने इन्हें ढाला था, क्या क्या समस्याएं देखने मिली थी, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। हरीश भाई, मैं 20 ये सिरोही बकरी लाया था और ये सारी बड़ी लाया था मैं, और इनके साथ में 2-5 बच्चे थे, बाकी ये सब प्रेग्नेंट थी। तो इनमें यहाँ ला करके और जो दो चार पाँच दिन मैंने थोड़ा इनका डिवार्मिंग करके और वैक्सीन वगैरह कर दिया था PPR का, बाकी इनमें सिरोही में तो मेरे को कोई ज़्यादा समस्याएँ आई नहीं।
लेकिन सोजत में मैं लाया था किशनगढ़ से, तो वहाँ इनमें यहाँ दूसरे तीसरे दिन आते ही पीपीआर हो गया था। अच्छा, तो उसमें कुछ बकरियाँ मरी भी, लेकिन ठीक है, फिर भी हमने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया इनका, और ये पनप रही हमारे यहाँ पे, और बच्चे भी अभी लगभग अक्टूबर नवंबर में दे देंगे। तो नॉर्मली अगर मैं जैसे वहाँ पर बात करूँ, जैसे कि भाई राजस्थान में तो ये बकरियाँ ग्रेजिंग पर रहती हैं, जैसे आप लेकर आए थे, तो इनको फिर यहाँ के क्लाइमेट में किस तरीके से डाला था सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए। हरीश भाई, हमारे 5-6 बीघा जमीन है। हाँ, हमने स्टॉल फीड और ग्रेजिंग दोनों मॉडल अपना इनके लिए। अच्छा, तो इनको वो कमी हमने होने नहीं दी जो ओपन ग्रेजिंग में ये राजस्थान में चरती हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि हमने 4-5 प्रकार के चारे लगा रखे हैं, नेपियर है, दशरथ घास है, मक्का लगा रखी है, उधर तूती लगा रखी है, रेड नेपियर है, बिल्कुल, और सीजनेबल जो भी चारा रहता है जैसे अल्फा अल्फा वगैरह, वो भी हम लोग लगा देते हैं इनके लिए जी। और ये पूरे दिन में 3-4 घंटे ओपनली चरती हैं, और नीम वगैरह के पेड़ भी और बाकी दूसरे जो पेड़ भी हैं वो भी हमने लगा रखे हैं, जैसे बाबे आपके सामने एक हाई रही हैं जी। तो जो यहाँ की लोकल ब्रीड है, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, तो जो आपकी आपकी जो बकरियाँ हैं सर, उनका क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, मुझे ये थोड़ा सा बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? अब हरीश भाई, यहाँ की जो लोकल ब्रीड है वो तो वजन लेती नहीं है जी। अब हमने 10-12-15 जो बकरे ईद वगैरह के लिए भी रेडी कराए हैं। अब मैंने बताया इनका कि 7-8 महीने का बच्चा जो है वो 40+ ही वजन वेट आ रहा है उसका। अच्छा, और अभी तो बढ़ ही रहे हैं वो, और अभी इनकी हमने कस्सी वगैरह करवाई नहीं है, अब करवाएंगे और उससे और ज़्यादा वेट गेन होएगा इनका। बिल्कुल, तो मतलब यहाँ की जो लोकल ब्रीड है उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट। 1.5 साल का बच्चा मुश्किल से मान के चलिए 35-40 किलो वजन लेता है यहाँ लोकल, जो यहाँ ब्रीड रहे लोकल का, इस क्षेत्र का जो मालवा क्षेत्र का जो लोकल ब्रीड है, मुश्किल से इतना ही वजन लेता है, और वो 10-12-15 हज़ार से ऊपर बिकता नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि लेकिन यहाँ इनके ये जो है, अब हालांकि ये फर्स्ट टाइम है, हम लोग इनको तैयार कर रहे हैं ईद के लिए जी, लेकिन 100+ इनको हम लोग ले जाएंगे, इतना भरोसा है मेरे को। बिल्कुल, तो वजन गेन अच्छा करवा लूंगा मैं इनका। तो किस तरीके से आपने जैसे मॉडल अपना रखा है बकरियों को पालने का, ये थोड़ा सा समझाइए हमारे दोस्तों को। और इसमें सुबह शाम हम लोग इनको सूखा चारा देते हैं जी, मूंग का और मूंगफली का। हाँ, दोपहर में 12 से 1:30 बजे के बीच में हम लोग फिर ओपन ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं इनको, फिर ये पानी वानी पी के आराम करती हैं जी, फिर 3-3:30 बजे एक बार फिर हम लोग इनको बाहर करते हैं जी, और ये इस समय करीबन 4-4:30 बजे के लगभग अंदर आते हैं, थोड़ा बहुत ये पानी पी के और अपना सूखा चारा जो भी खाना खाती हैं, और फिर हम लोग 7-8 बजे इनको जो दाना बना के रख रखा हमने वो देते हैं। मतलब हरी घास खिलाने के बाद फिर से आप शाम को इनको सूखा चारा देते हैं, ऑफर करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, तो ताकि बकरियां जो हैं वो मुझे जो तंदुरुस्त रहे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो उनमें, और हाँ ग्रोथ अच्छी आए, बहुत ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और ये क्या चमक बराबर दिख रही है। ये ब्रीड ऐसी है कि आप अगर खाने में इनके साथ में कंजूसी करेंगे तो ये पनप नहीं पाएंगे हरीश भाई जी। अब जैसे ये हमारी जो बकरी है, ये अब आप देखिए, ये एकदम सुंदर है और ये फर्स्ट टाइम पर बच्चा देगी। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ग्रोथ महीने की होगी सर ये करीबन 13-14 महीने की है। 13-14 महीने की सोजत में? हाँ, सोजत में। बहुत अच्छा। और सर मैं एक अमूमन जैसे हम बात करते हैं कि खर्च जो लगने वाला होता है ना, आपने बहुत अच्छा मॉडल बना रखा है कि ग्रेजिंग फील्ड ही इनको इनके लिए दे दी है, तैयार कर दी है आपने, तो खर्चे को तो बिल्कुल कम कर दिया है। हाँ, फिर भी एक क्या खर्चा आपका बैठता होगा सूखे इसके ऊपर जो भूसा है, जो हम लोग दाना चारा जो देते हैं जी, उसका तो खर्च जो लगता है वो लगता ही है, बाकी जो सूखे चारे के जैसे अभी इस बेल्ट में इनका जो खाना ही खाती है वो है नहीं, तो इस बेल्ट में अब इनके सूखे चारे के इस बेल्ट में अपने को मूंग का चारा मिलेगा जी, बाकी जैसे लौंग पत्ती हो गई या ग्वार का भूसा हो गया या जहाँ ये है फार्म वहाँ तो आसपास मूंगफली का चारा भी नहीं मिलता है जी, तो दूर से मंगवाना पड़ता है, तो इस चारे की कीमत को कम, कॉस्ट को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग ये ओपन ग्राजिंग का करा, जिसमें आपने 5 प्रकार के घास, 4-5 प्रकार के चारे हमने लगा दिए जी जी, और इसमें पेड़ वाले चारे लगाए, पत्ती वाले ज़्यादा, ये ज़्यादा नेपियर भी नहीं, पर जो पेड़ वाले जो पत्ती वाले जो हैं वो हमने ज़्यादा लगा रखे हैं। बहुत अच्छा, तो बकरियां जाती हैं 4 घंटे के लिए आराम से चरती हैं, 3-4 घंटे के लिए जाती हैं और फिर चरती हैं, और इनमें हरीश भाई एक भी बकरी 2.5 से 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये हमको न कुछ इनको देना पड़ता है
दवाई वगैरह मेडिसिन देना कि ये हीट पे आए, ये अपने आप ही 2-2.5-3 महीने में ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं जी। सर जैसे ये बकरा खड़ा है इसी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। ये हरीश भाई शिरोई का है जी और क्रास उसमें है अजमेरी पैटर्न, अजमेरी पैटर्न पे है ये जी। बहुत और इसके जो रिजल्ट है वो भी अच्छे आ रहे हैं, बहुत शानदार। ये देखें और इसकी आप जो लचक वगैरह वो आप देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया। खर्चा भी आपने कम कर दिया, इसे ग्रेजिंग फील्ड दे दी तो एक फ़ायदा है कि भाई ये अपने माहौल में ढली हुई है। ग्रेजिंग से इसकी जो चाह रहती है खास करके सिरोही बकरी की वो बराबर बनी हुई है, इसलिए इसमें ग्रोथ भी हमें देखने मिल रही है। लोकल ब्रीड की तुलना पर वेट गेनिंग कैपेसिटी है, मतलब आपने यहाँ पे सिरोही को बिल्कुल राजस्थान वाला माहौल जो है ना। हाँ, यहाँ यहाँ पे हरीश भाई जो अब यहाँ का किसान अगर इन सिरोही के बच्चे को या इनके जो पाठे तैयार हो रही हैं वो अगर लेके जाएगा तो उसको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी बिल्कुल भी, क्योंकि वो इसी मालवा के माहौल में ही डेवलप हुई है, पैदा हुई है। तो वो इतना जो वहाँ से ला करके अजमेर से या उस बेल्ट से ला करके जो यहाँ आकर के फिर वो बकरियाँ तकलीफ देती हैं वो मेरे हिसाब से इनमें नहीं मिलेगी ऐसी बिल्कुल। तो जो हमारे दर्शक नए देख रहे हैं सर, तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि वो किसके साथ जाएं, बड़े जानवर चूज करें या छोटे जानवर चूज करें, क्या सजेशन है आपका? हरीश भाई छोटे बच्चों में तो नहीं जाएं वो। हाँ, एक तो नुकसान क्या होगा उनको कि 4-5 महीने की पाठ लाएंगे वो, 7-8 महीने उसको खिलाएंगे, फिर वो प्रेग्नेंट होगी 12-13-14 महीने की, और फिर 5 महीने मतलब 20 महीने के लगभग हो जाएगा उनको बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि या तो प्रेग्नेंट बड़ी बकरी लाए वो या फर्स्ट टाइम पर प्रेग्नेंट पाठे वगैरह लेके आए वो जी, जिससे कम से कम उनके फार्म पे हर 2-4-5 महीने में बच्चे तो आए कम से कम जी, और बाकी फिर हर 2-3 महीने में उनको ये रूटीन उनका बनाए रहे। तो छोटे से तो मेरे हिसाब से नहीं शुरुआत करें, मैं किसानों को यही सलाह दूंगा। बहुत अच्छा। तो सर हमारे दोस्तों कुछ बकरियाँ भी आप दिखाइए जैसे आपने पकड़ी हुई है, इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हरीश भाई सेकेंड टाइम बच्चा देगी अभी जी, और पिछली बार भी 2 बच्चे दिए थे फर्स्ट टाइमर में, और इस बार 2 तो देगी, अब उससे ज़्यादा दे दो तो पता नहीं। फर्स्ट टाइम में भी सेकंड? हाँ, दो बच्चे दिए थे इसने। और सिरोही में अजमेरी पैटर्न पे है ये। बहुत बढ़िया। और कितने महीने के लोडेड हो गए सर? ये 2-3 महीने की लोडेड है हरीश भाई जी। बिल्कुल। कुछ और बकरियाँ देखते हैं क्योंकि संख्या जो है वो ज़्यादा हो चुकी है इनके पास। हरीश भाई ये भी अभी 3rd टाइम बच्चा देगी, और इसके भी 2 बच्चे पिछले 2 बकरे एक मेल और एक फीमेल है, जुड़वा है इसके जी, और अभी फिर से ये लोडेड है। बहुत बढ़िया। और ऊंचे इसकी हाइट वगैरह जो है वो देखिए आप, और ये इसी की बच्ची है जो 5 महीने की, इसकी ये ग्रोथ आ रही है। बहुत बढ़िया साइनिंग है, और अभी भी दूध वगैरह ये इसका पीती है। ये एक बकरी देखिए जो पुराने जो शिरोई कलर में जो आती थी वो बकरी है, और लचक वगैरह इसकी देखिए बेहतरीन। कितने ब्यात की है सर ये? ये हरीश भाई शायद 3rd टाइम बच्चा देगी, और ये इसकी पार्ट है। कितने महीने की है ये? ये करीब 7-8 महीने की है हरीश भाई। 7-8 महीने की, बहुत बढ़िया। और लचक वगैरह देखिए, और वजन भी अच्छा है इसका, और 1-2 बकरा भी है जो इसका हम ब्रीडर के तौर पे तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। तो अभी टोटल संख्या कितनी हो गई होगी सर? ये गिने तो नहीं हरीश भाई, लेकिन 100 के लगभग हैं ये। 100 के लगभग? हाँ। और अभी मैक्सिमम हरीश भाई जैसे ये इसी बकरी का ये बच्चा है जो पतली स्किन वाली जो आप बात कर रहे थे। हाँ, ये देखिए ना, बिल्कुल एकदम पतली सी स्किन है, और ये इसी का बच्चा है 5 महीने का। बहुत ये देखिए, अब साइनिंग वगैरह देखिए दोनों माँ बकरी के साथ का है ना? हाँ, इसी की पार्ट है ये इसी का बकरा है। बकरा वो जो अभी बकरी अपन ने दिखाई उसी के साथ इस, का हाँ, इसके साथ, हाँ, उसके साथ का ही, तो इसी का बच्चा है, लेकिन 7 महीने का हुआ। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब 2 बच्चे लेकर आए थे उस टाइम? दो ले। बहुत बढ़िया। ये सिरोही का जो पुराना कलर है राता कलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जी राता कलर ही बोलते हैं। बहुत बेहतरीन। और सोजत की मैं जो बकरियां हैं वो ज़्यादातर इसमें अभी फर्स्ट टाइमर हैं, कुछ 1-2 हैं जो सेकंड टाइमर हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों
आशा करता हूँ सर की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। आपके जो भी सवाल हैं बकरी पालन से संबंधित, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मालवा जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है, और आप बकरियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल सर के दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से सर ने मॉडल अपनाया हुआ है वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। हमारे जो मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से जो भी किसान भाई हैं वो अगर देख रहे हैं और बकरियों को अगर सिरोही और जैसे सोजत नस्ल की बकरियों को पालन करना है तो आपको ये मॉडल अपनाना ही पड़ेगा, ताकि जो ग्रेजिंग फील्ड वाला मॉडल है वो कारगर, खर्चे को कम कर पाएंगे वो अपने, फीडिंग जो कॉस्ट उनको लग रही है वो कम कर पाएंगे वो। जी बहुत बढ़िया। तो स्टॉल फीड पे सिरोही और सोजत को इतना ज़्यादा डेवलप मेरे हिसाब से तो हो भी नहीं पाती है, वो नहीं हो पाती हैं। हम देख रहे हैं ना बहुत सारे पटक, आप बाड़े में इनको घोट के पटक जरूर लो, पर मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का इनका मन जो खुश नहीं रह पाता है। बिल्कुल घूम करके ये बकरी जो है, ये सिरोही है, सोजत है, गुजरी है, इस टाइप की जो बकरियाँ हैं वो घूम करके ज़्यादा खुश हैं। ठीक, तो इसलिए हमने इनको वो दोनों क्लाइमेट इनको दिए हमने। बहुत अच्छा, वो आपको काम सराहनीय है सर। बिल्कुल ये मॉडल हमने कहीं, मैंने कहीं नहीं देखा है जो आपने तैयार किया ना। थोड़ा सा आपने बकरियों की साइकोलॉजी को समझा है ना कि भाई उनको घूमना फिरना चरना पसंद है, तो आपने उसे उस तरीके का बना के दिया है कि यार आप घूमो फिरो चरो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घास लगा लेते हैं बहुत सारे लोग खर्चे को कम करने के लिए, परंतु उसे वो कटिंग करके खिलाते हैं। हाँ। जिसमें बकरी वो कुछ खाती है, कुछ छोड़ देते हैं। नहीं खाते, भूखा जानवर होगा तो वो तो खाएगा ही फिर। हाँ। लेकिन एकदम जो मन इनका प्रसन्न चित्त होकर के खाए। हाँ। तो और बकरी को हमेशा नीची पड़ी हुई चीजें ज्यादा पसंद है भी नहीं, उसकी जो हाइट है उसके समकक्ष उसको जो चीज मिल जाए वो उसको खाना ज्यादा पसंद है। तो आप देख रहे हैं ये तीन दिन दो दो चार तरफ भी देख रहे आप कितना अच्छे से खा रही है। बिल्कुल, और ये बकरियां जो हैं अभी 2 घंटे इनको छूटे हुए हो गए, ये पेट से भरी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये केवल गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि गेट कब खुले और हम अंदर जाएं। बिल्कुल, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ये सूखा खाएंगे। हाँ, और अब 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर 7-8 बजे फिर हम लोग इनको जो दाना हमने तैयार कर रखा है मिक्स फीड वो हम लोग देंगे और फिर आराम से पूरी रात आराम करेंगे। बिल्कुल,